देखिए बनारस के बाढ़ में मणिकर्णिका घाट काफी डूब गया था, लेकिन थोड़ा सा पानी अभी नीचे हुआ है। तो देखिए सब ये चिमनी है जिसपे सौदा किया जाता है, और देखिए पूरा मिट्टी जम गया, पूरा ऊपर तक पानी आ गया था, वहां तक देखिए पूरा मिट्टी लगा हुआ है। और देखिए पानी घट गया, नहीं तो फिर और ज्यादा इस पे मतलब दिक्कत होता। इसीलिए देखिए नाव संचालन पे भी पूरा रोक लगा हुआ है, पूरा प्रतिबंधित है। देखिए नाव एक भी नहीं चल रहा है, और ये रैंप जो देख रहे हैं ये भी डूबा हुआ है अंदर से। और जितना देख रहे हैं सौदा का कार्य सब ऊपर किया जा रहा है, ऊपर ये देख रहे हैं। अभी मैं अभी आपको आगे कभी दिखाऊंगा बहुत सारा चीज़। अब बस वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा, आपको वाराणसी फ्लूट का पूरा अपडेट दूंगा। ये घाट का दूसरा भाग है, मणिकर्णिका कुंड है, और ये भी देखिए डूबा हुआ था, और देखिए पूरा कीचड़ लगा हुआ है। ये कीचड़ भी धीरे धीरे साफ हो रहा है, क्योंकि टूरिस्ट भी आते रहते हैं तो उन लोगों को बहुत परेशानी होता है घाट से दूसरे घाट। अब देखिए बाढ़ आएगा कि नहीं दोबारा, लेकिन आ सकता है। और देखिए आपको दिखा रहे हैं ये रत्नेश्वर महादेव मंदिर, देखिए कितना डूबा हुआ है, ये भी पूरा डूबा हुआ है रत्नेश्वर महादेव मंदिर। देखिए कि हिसाब से बाढ़ से कितना नुकसान होता है घाटों को, इसको साफ करना होता है हमेशा। देखिए बोर्ड वगैरह सब मट्टी लग गया है, ये बैठने वाले पर भी देखिए मट्टी पूरा, बहुत ज़्यादा बाढ़ से नुकसान हो जाता है, क्योंकि घाट ही बनारस का शान है। चलिए आगे भी आपको दिखाते हैं, और देखिए ये सभी मंदिर डूबा हुआ है पूरा, ये भी पूरा चोटी तक डूब जाता है। चलिए आगे आपको दिखाते हैं, देखिए बहाव भी तेज है गंगा जी का। तो देखिए पूरा गंदगी आके इकट्ठा हो गया, देखिए बाढ़ की वजह से कितना गंदगी इकट्ठा हो जाता है, दूर दूर से आता है ये सब गंदगी, जब पहाड़ों से पेड़ पत्ता तोड़ते हुए झाड़ वगैरह आता है। और देखिए अभी मंदिर डूबा हुआ है, आगे वाला भी मंदिर डूबा हुआ है, और घाट भी जितना घाट देखेंगे सब डूबा ही हुआ है। और देखिए फिर अगर पानी हो सके बढ़े एक राउंड, अगर एक बार और बढ़ेगा तो और भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। देखिए कितना गंदगी इकट्ठा हो गया है, स्नान करने में भी दिक्कत हो रहा होगा। देखिए साफ सफाई भी चल ही रहा है धीरे धीरे, इसी में से गंदगी निकाला जा रहा है। और देखिए घाट से पानी कम हुआ था अभी, और देखिए कितना गंदगी इकट्ठा हो गया। और देखिए संकटा घाट और गंगा महल घाट, देखिए पूरा डूबा हुआ है घाट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और देखिए बाढ़ से निजात का मिलता है काशी को, और अगर आप बनारस आना चाहते हैं तो अभी प्रोग्राम कैंसिल कर दें, क्योंकि घाट अच्छे से नहीं घूम पाएंगे। और बोट वगैरह सब बंद है तो आप काशी में बोटिंग नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आप अगर काशी बाद में आए तो ज़्यादा बढ़िया है। देखिए लग रहा है नया बोट बन रहा है, जब ये सब डूबा है। देखिए बाढ़ से निजात का मिलता है काशी को।